हम भी खिलाड़ी थे, हमने वो जॉब नहीं मिली, हमने सोचा भाई आने वाली नस्ल को अपने गांव को ऊपर उठाना। 100 बच्चे करीब नेशनल लेवल के भी हैं, जूनियर में, सीनियर में, और सर्विस के भी 70-80 बच्चे हैं सर्विस लगे हुए। वो फ्री सेवा चल रही है अपनी, तो यहाँ कोई बाहर का बच्चा हो या रहने के लिए भी फ्री है, खाने अपना खाना पीना अपने आप करो, हम तो फ्री कोचिंग दे रहे सुबह शाम। बड़ा अच्छा रुझान है हमारे पास यहाँ बच्चों का कबड्डी के ऊपर, कबड्डी से ही हम इंटरनेशनल में पहुँचे हैं। देश में कहीं भी जब खेल और एथलीट की बात चलती है तो हरियाणा का नाम सबसे पहले आना लाजमी है। हरियाणा ने देश को कई ऐसे बड़े बड़े एथलीट दिए हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। खेलों के प्रति जुनून के चलते ही हरियाणा का कोई गांव फुटबॉल, कोई बॉक्सिंग तो कोई बास्केटबॉल के लिए जाना जाता है। आज हम आपको हरियाणा के एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जो कबड्डी के खिलाड़ियों की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इस गांव के युवाओं में कबड्डी को लेकर इतना जोश है कि वो किसी दूसरे खेल की तरफ रुख करना पसंद ही नहीं करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पानीपत से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बुरशाम गांव की। यहाँ के ज़्यादातर युवा और बच्चे कबड्डी में रुचि रखते हैं। इस गांव में अब तक 16 खिलाड़ी प्रो कबड्डी लीग में खेल चुके हैं और अगले महीने शुरू होने वाली प्रो कबड्डी लीग में गांव के 6 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 100 बच्चे करीब नेशनल लेवल के भी हैं, जूनियर में, सीनियर में, और सर्विस के भी 70-80 बच्चे हैं सर्विस लगे हुए। कोई फ्री सेवा चल रही है अपनी, तो यहाँ कोई बाहर का बच्चा हो या रहने के लिए भी फ्री है, खाने अपना खाना पीना अपने आप करो, हम तो फ्री कोचिंग दे रहे सुबह शाम। हम भी खिलाड़ी थे, हमने वो जॉब नहीं मिली, हमने सोचा भाई आने वाली नस्ल को अपने गांव को ऊपर उठाना। तो फिर आज के दिन गर्व है, हमारे बच्चे इतने प्रो में भी हैं, सारी इतने बच्चे सर्विस लग गए, हमने महसूस हो रहा है, बड़ी इज्जत से बोलते हैं, बड़ी अच्छे से रहते हैं, और मेरा यहाँ का ग्राउंड अच्छा चल रहा है। हमारे 6 बच्चे हैं जो प्रो में। और पहले कितने खेल चुके हैं? 10 बच्चे पहले गए। आपके द्वारा ही ट्रेन किए हुए? ना, सभी अपने हैं, हमारा ही सेंटर है। मेरे पास तो कोई बच्चा कहीं का भी रहा है, यहाँ स्टेडियम में है, जैसे उन है, यहाँ फ्री रह जा, फ्री रहो, अपना खाओ पियो और फ्री कोचिंग। अरे ऐसा सेंटर कहीं नहीं मिलेगा आपको। सभी आदमी पैसा लेते हैं किसी किसी बहाने, भाई ये फीस ले ले, ये ले। हमने कभी किसी बच्चे से कोई 5 पैसे के लालच नहीं किया, हमने खर्चा किया है, मन से मेहनत करवाई है अपने जुनून के अनुसार। साथ ही यहाँ के कई युवा सरकारी नौकरियां प्राप्त कर चुके हैं, तो कई युवाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बना ली है। गांव के 80 खिलाड़ी कबड्डी की बदौलत भारतीय सेना में देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं और तकरीबन 150 खिलाड़ी सरकारी पदों पर कार्यरत हैं। गांव की बात करें तो संध्या काल होते ही छोटे बड़े सभी ग्राउंड की ओर निकल पड़ते हैं और जमकर अभ्यास करते हैं। और मैं भी पहले कबड्डी खेलता था और फिर बाद में आर्मी में अभी सर्जेंट के पद पे कार्यरत हूँ। और हमारे दादा हैं रणवीर जी, वो यहाँ पे देख रेख करवाते, और मास्टर जी रविंदर मास्टर जी। कितने बच्चे यहाँ से सरकारी नौकरी ज्वाइन कर सके? 60 बच्चे कम से कम। दिलचस्प बात तो ये है कि इस गांव में 1987 में इस खेल को कुछ युवाओं ने शुरू किया था और ग्रामीणों के तानों के बावजूद उन्होंने चैंपियन बनकर ग्रामीणों के मुंह पर ताला लगा दिया था। गांव के कबड्डी कोच रणबीर गुलिया ने बताया कि गांव में नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल के खिलाड़ियों की भरमार है। अगले महीने शुरू होने वाले प्रो कबड्डी में भी इसी गांव के 6 खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं। हमारे पास करीबन 70-80 बच्चे आते हैं शाम के टाइम। सवेरे तो थोड़ा स्कूल का कम बच्चे आते हैं, स्कूल का टाइम हो जाता है। और बड़ा अच्छा रुझान है हमारे पास यहाँ बच्चों का कबड्डी के ऊपर। कबड्डी से ही हम इंटरनेशनल में पहुँचे हैं। आर्मी से रिटायर्ड हूँ, सूबेदार से। और जब ये कबड्डी स्टार्ट हुई तभी हमने स्टार्ट की थी, पहले हम ही थे इस कबड्डी में शुरू करने वाले।
तो बड़ी मुश्किल से ग्राउंड को भी मेंटेन नहीं कर पा रहे थे कि क्योंकि 7-8 बच्चे थे जो कि इसको शुरू करने वाले थे। कुछ लोगों ने विरोध किया था कि देखें कौन से चैंपियन बनेंगे, लेकिन जो हमारे मेहनत हुई, बच्चों ने मेहनत करी, कम से कम 40-50 बच्चे इसमें नेशनल में पार्टिसिपेट और यूनिवर्सिटी सर्विस भी बड़ी, कम से कम 60 बच्चे हमारे इसमें सर्विस में है कबड्डी से। मैं भी जब आर्मी में भर्ती हुआ तो हम भी स्पोर्ट्स से हुए थे और 87 में मैं भर्ती हुआ था। हमारे को तो इतना उम्मीद नहीं था कि हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे, लेकिन हमारे को अर्जुन अवार्ड मिलना, एक हमारा भाई है जो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हुआ, एशियन गेम में गोल्ड मेडल लिस्ट हुआ और आज वो DSP ONGC में DSP है। आज वही उन्हीं के बच्चे इस कबड्डी में हैं जो ये कहते थे ना कि देखें कौन से चैंपियन बनोगे तुम, यहाँ आकर के 2 किलो ज़मीन को इसको भी ख़राब कर रहे हो। आज उन्हीं के बच्चे इसमें आ रहे हैं और उनके बच्चे भी नेशनल खेल गए और आगे इसमें वो भगवान करेगी उनको प्रो में भी सिलेक्शन कराए। प्रो एक ऐसा चीज़ आई है हमारे पास कबड्डी की कि उसमें अगर जो बच्चा मेहनत करेगा तो सभी चीज़ों की मौज है, भगवान की दया, नौकरी भी मिल जाती है और पैसा भी आ जाता है। पैसे की ज़रूरत है इस गेम में कि पैसे के लिए हम करते हैं, नौकरी भी करते हैं तो परिवार चल जाता है। ज़मीन इतनी ज़मीन ज़्यादा इतनी है नहीं, ताकि नौकरी मिले तो परिवार चल सके। वहीं गांव के रहने वाले और प्रो कबड्डी में पटना पायरेट्स की तरफ से खेल चुके खिलाड़ी प्रवीण दिरवाल ने बताया कि गांव में 2 ग्राउंड पर 70-70 खिलाड़ी रोजाना प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि चोट की वजह से वो इस बार प्रो कबड्डी के सीजन में नहीं दिख पाएंगे, लेकिन इन्होंने अगले सीजन के लिए खासी तैयारी कर रखी है। ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ी से जब हमने बात की तो उसने बताया कि अब तक वो 12 नेशनल प्रतियोगिता खेल चुका है। गांव के ही अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी जसवीर बिरवाल और कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से उसे प्रेरणा मिलती है। खिलाड़ी का कहना है कि हम बचपन से इंटरनेशनल खिलाड़ियों के बीच में रहे हैं, जिन्हें देख देख कर हमारे अंदर भी खेल को लेकर रुचि बढ़ती गई। मैं नेशनल से लेकर प्रो कबड्डी तक खेल चुका हूं और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी। प्रो कबड्डी में कौन सी टीम में थे? मैं पटना पायरेट्स में सीजन 5 सीजन 6। अब क्यों नहीं आपने पार्टिसिपेट किया? बस मेरे को थोड़ी सी इंजरी हो गई थी, इस वजह से मैं फिट नहीं होता है उस टाइम तक, इसलिए मेरे को लेट मौका मिला, टूर्नामेंट वगैरह नहीं खेल पाया। इस वजह से अगली बार नेक्स्ट टाइम मैं तैयारी कर रहा हूँ। गाँव में फिलहाल में अभी हमारे 2 ग्राउंड चलते हैं, दोनों ग्राउंड पे इक्वल, सभी पे इक्वल इक्वल हैं, 60-60, 70-70 प्लेयर। आप डिफेंडर रहे हैं? रेड मैं ऑलराउंडर। तो कितने सीजन आप खेल चुके हैं? मैं 2 सीजन खेल चुका हूँ, 5 और 6। तो क्या सरकार की तरफ से सहयोग मिला था? नहीं, वो तो प्रो कबड्डी वाले ही हमारे को सहयोग करते हैं। उसके जीतने के बाद आपको कुछ मिला वहाँ खेलने के बाद? नहीं, वो तो खेलने के बाद कुछ नहीं मिलता, पहले से सब कुछ फैसिलिटी देते हैं वो प्रो कबड्डी वाले, तो हमको वहाँ से इतनी फैसिलिटी मिल जाती है कि सरकार से ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, कबड्डी है तो वैसे तो सब कुछ, पर अभी स्टडी भी साथ में चल रही है। मैं एक कबड्डी प्लेयर हूँ, मैं अब तक 12 नेशनल खेल चुका हूँ, जिसमें 2 सब जूनियर हैं, 2 17 19 और यूनिवर्सिटी वगैरह सीनियर स्टेट में मेडल भी है मेरा। और मेरे को मेरी रुझान इसलिए क्योंकि मेरे गांव में शुरू से इंटरनेशनल प्लेयर है, एक अर्जुन अवार्ड है जसवीर कुमार, जसवीर बिरवाल, जो हमारे परिवार में ही है, उसी को देखकर हम यहाँ पे ग्राउंड पे खेलने लगे। पहले बच्चे थे वैसे खेलने आते थे आराम से, लेकिन आराम आराम से मन लगने लगा और रुझान हो गया इस तरह। हमारे गांव से काफ़ी बच्चे अभी फ़िलहाल नेशनल खेल चुके हैं और अभी प्रो में अभी 6 वर्तमान में हमारे 6 खिलाड़ी ऐसे हैं जो प्रो कबड्डी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहले इससे पहले 8-10 खिलाड़ियों ने हमारे और भी पार्टिसिपेट किया है और हमारे जो खिलाड़ी हैं वो काफ़ी मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत का प्रयास, उनकी प्रो कबड्डी का जो आज वो खेल रहे हैं वो उनका मेहनत का परिणाम है। हम ये सतर पाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, छोटे लेवल से ही बच्चे शुरुआत कर देते हैं। यहाँ पर गांव में एक ही गेम है ज़्यादातर कबड्डी, इसी के लिए बच्चों में रुझान होता है, बच्चे बड़ों को देखकर सीखते हैं, हम उनके लिए आइडल के रूप में उभरे हैं, साथ ही हम उनको कोचिंग करने का भी काम करते हैं। हमारे जो दोनों ग्राउंड चल रहे हैं, उधर रणबीर जी और इधर जितेंद्र जी और हमारे बड़े फौजी भाई, फौजी साहब हैं जो
वो यहाँ पर कोचिंग करते रहते हैं, और साथ में हमारे जो अर्जुन अवार्डी प्लेयर हैं और जो एशियन गेम्स चैंपियंस प्लेयर हैं वो भी यहाँ पर आकर के उनको बीच बीच में इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं और साथ साथ में उनको कोचिंग भी देते रहते हैं। गांव का रुझान बहुत बढ़िया, हर बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं और सबसे ज़्यादा मेहनत तो एरन बिरगुलिया जो यहाँ स्टेडियम में बच्चों को खिला रहे हैं, अब निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। गौरव है अपने बच्चों पर भी, देख इंडिया की टीम में हमारा हमारे गांव का नाम रोशन हो रहा है, बच्चा खेल रहा है। कैसा लगता है बेटा कबड्डी खेलना? बहुत अच्छा। तो किसको देख के आपको ये सीख मिलेगी मैं भी कबड्डी खेलूं? नवीन एक्सप्रेस। कौन सी टीम में खेलते हैं? दबंग दिल्ली। आप क्या बनना चाहते हैं? आप कबड्डी में लगेंगे। कैसा खेलते हैं आप? क्या खेलते हैं, डिफेंडर हैं या रेडर हैं आप? ऑलराउंडर। और क्या बनना चाहते हैं आप? फौजी। किसी ने सच ही कहा है कि अगर सच्चे दिल और कड़ी मेहनत से किसी चीज के पीछे लगा जाए तो एक ना एक दिन वो आपके कदम चूमती है, आपके पास जरूर आ ही जाती है। जिस खेल की बदौलत आज ये गांव लोकप्रिय हुआ है और जिस लगन के साथ गांव के युवा कबड्डी को ही अपना सब कुछ मानकर मेहनत कर रहे हैं, आज सफलता सीधे उनके दरवाजे खटखटाती है। वहीं यदि सरकार खेल के प्रति जुनून रखने वाले इन खिलाड़ियों की मदद करती रहे तो ये खिलाड़ी आगे चलकर पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करने का दम रखते हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सैमसंग एलईडी टीवी, वेस्टर्न एलईडी टीवी, वेस्ट वे एलईडी टीवी, वर्ल्ड क्लास एलईडी टीवी अंडर वन रूफ, 0% फाइनेंस। आए बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर फुल रेंज ऑफ मोबाइल, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, आसान किस्तों में। जीतो 2.5 लाख रुपए के नाम। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, जीटी रोड नियर फेडरल बैंक, पानीपत, 9812-145-43।